पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आए रो रो पूछ रहे भगवान सबसे दस दस पुत्र हो, नौकर चाकरों से घर भरा हो, और उसने अपनी पटरानियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ थी, मतलब एक तो रानी फिर पटरानी, उन पटरानियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ थी, उस रुक्मणी को उनका आधा के बाल के पानी की बाल्टी लिया, समझ गए? और रुक्मणी जब पानी की बाल्टी ले आई थी, उसके मन में एक विचार आया था कि कोई खास होता ना तो भी ठाकुर जी मन ने नहीं करते पानी जाने के लिए, ये खासा मतलब मेरे को पानी लाने के लिए कहा, नौकर चाकर को कह देते दो मिनट में जाते, लेकिन ना मेरे को कहा, मेरे को ये कहा कि पिछाड़ खाते इसका बिस्तर लगा। रुक्मणी ने सेठ बिछाई तुम सो, इससे इससे क्या मतलब है? आपने आपका कलयुग का छोटा सा उदाहरण दे दूं, अंबानी के साथ देखी होगी फोटोशॉप ने न्यूज देखी होगी, देखी होगी उनके घर के जो छोटे बच्चे थे अपनी दस दस रुपये कमाने वाली लेकिन बच्चे तो बहु बहु भी जब फैमिली अपने फोटो कराने गई तो बहु भी गोद मिले उससे ये होता है की जो खासम खास हो उसकी सेवा खुद अग्रणी हो नौकरा के भरोसे छोड़ना होता। रुक्मणी ने सेठ
भाभी का भेजा आया, गरीबी ने बहुत सताया। तेरी भाभी का भेजा आया, गरीबी ने बहुत सताया। तेरी भाभी का भेजा आया, गरीबी ने बहुत सताया। अरे मेरा दुखी रहे परिवार, अरे कन्हैया ऐसे आए। अरे मेरा दुखी रहे परिवार, अरे कन्हैया ऐसे आए। रो रो पूछ रहे भगवान, कन्हैया कैसे आए। रो रो पूछ रहे भगवान, सुदामा कैसे आए। सुदामा कैसे आए, तेरे भैया कैसे आए। सुदामा कैसे आए, तेरे भैया कैसे आए। जा तेरा